गणपति बप्पा मोरिया, ओम साई राम, जय माँ काली, आदाब सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? सो हाउ इज़ द डे सो फार? सो आई होप यू गाइस एंजॉयिंग योर डे डे बाय डे डे बाय डे। काफ़ी चीज़ें स्टार्ट हो गई है, शूटिंग स्टार्ट हो गई, बहुत सारे लोग अपने अपने वर्क पे वापस जा रहे हैं। मर्फी डीसी, आप लोग कितना कॉम्प्लिकेटेड नाम क्यों रखते हैं? एनीवेज, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉम्प्लीमेंट, यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल, थैंक यू मर्फी। सो हाउ आर यू ऑल, ऑल माय ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, माय गुड फ्रेंड्स, हाय डीएसए बॉलीवुड चैनल, हाय 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 हाय। So I hope I'm looking good today. So मैं कैसी लग रही हूँ? So दोस्तों, आज हमारे जो मेहमान है बहुत ही जल्द आ जाएंगे। अभी आज थोड़ा सा सेशन 5 मिनट हमें थोड़ा सा स्लो करना होगा ड्यू टू सम दुआओं की बात है। ओ थैंक यू सो मच विशाल, थैंक यू सो मच। बस एक छोटा सा ऐसे टाइम पास वाला थोड़ा सा फोटो शूट करते हैं विशाल, आफ्टर लॉकडाउन खत्म होने के बाद। होपफुली जल्दी सब ठीक हो जाए, बेटर हो जाए और बैक टू ट्रैक आ जाए, तो फिर करते हैं फिर फोटो शूट, राइट? भाविक रात्रि। अंकित, या अंकित जी, आई एम गुड बाय गॉड ग्रेस, सब बढ़िया है, बढ़िया। सो बस अपने मेहमान को मैं बहुत जल्दी बुलाऊंगी, बिकॉज एज आई टोल्ड यू ये अजान का समय है, तो उन्होंने रिक्वेस्ट की कि मुझे 5 मिनट्स डिले होगा। आई से नेवर माइंड, ऊपर वाला है तो हम हैं, तो ऊपर वाले के लिए तो टाइम ही टाइम है, तो मैं उन्हें बहुत जल्दी जोड़ूंगी अपने साथ। तब तक मैं सोचती हूँ आप लोग से गुफ्तगू कर लूँ, क्योंकि जब से टी वी त्रिशा सिंह स्टार्ट हुआ है मैं आप लोग को वक्त ही नहीं दे पा रही, मैं तो गुफ्तगू ही नहीं कर पा रही। सो हियर वी गो, थैंक यू प्रवीण जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, शुक्रिया अंकित, शुक्रिया। सपोर्टेड बाय दीपिका ने, पैशन फॉर फैशन, कोटा राजस्थान। यस वी नो, हम सबको पता चल गया। सो बहुत जल्दी हम अपने दोस्त के साथ, मेहमान के साथ जुड़ेंगे। जैसे कि मैंने कहा कि अभी प्रे टाइम है, तो उन्होंने मुझे स्पेशली रिक्वेस्ट किया है, क्योंकि अजान का समय है, तो ही वॉन्ट्स टू जॉइन आफ्टर अजान। तो मैं सोचा आप लोग से 5 मिनट गुफ्तगू कर लूँ। हाय सुनील जी, कैसे हैं आप? हाउ आर यू? ओह नाइस फ्रेम, नाइस फ्रेम, क्या बस बुद्धा जी की फ़ोटो है और पॉट मेरा रहता ही है, तो मैं यहाँ बैठ गई। सो दोस्तों, तो आज हम आपको बताना चाहते हैं, आज जो हमारे आने वाले मेहमान हैं बहुत ही खास है, बहुत ही सबके दिल के पास है, और मैं आपको बताऊं, ही हैव डन लॉट्स ऑफ वर्क। मैं जब आपको उनसे इंट्रो कराऊंगी, जब वो खुद आपके सामने आएंगे, तो आप बोलेंगे अरे बाप रे, मैंने इनको कहाँ कहाँ नहीं देखा। वो चाहे टीवी सीरियल हो, चाहे एड्स हो, चाहे मूवी हो, चाहे शोज हो, चाहे इवेंट्स हो, चाहे इंडोर्समेंट हो, वो हर जगह नजर आएंगे। बट स्टिल मैं उनके बारे में, एक एज एन आर्टिस्ट के अलावा उनके बारे में बताना चाहूँगी। दिल से बहुत अच्छे हैं वो, वेरी हम्बल एंड वेरी कूल एंड चार्म पर्सन, जबकि लोग बहुत जल्दी ही कहते ना, बहुत जल्दी जब एक तरक्की के रास्ते पे पहुंचते हैं तो बहुत ही जल्दी बहुत सारी उड़ाने भरने शुरू हो जाते हैं। पर जो आज हमारे मेहमान हैं, उन्होंने इतने सारे प्रोजेक्ट करने के बावजूद, सीरियल्स की बहुत लंबी लिस्ट है उनकी, मूवी की बहुत है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं उनको इंट्रो करूँ और उनसे ही सीखूँ, और सॉरी उनसे ही सुने कि हम उन्होंने क्या क्या किया और कैसे कैसे किया।
उससे पहले मैं एक बात बताना चाहूंगी, आज जो हमारे मेहमान है, पहले तो उनका नाम बता दूं, जाहिद अली जी। यस दोस्तों, जाहिद अली जी। देखा कितना सुंदर, कितना प्यारा, कितना पवित्र नाम है। तो जाहिद जी को मैं बुलाना चाहूंगी अभी, और उनके ही मुंह से हम जानेंगे। उनकी जस्ट अभी एक नई भी फिल्म रिलीज हुई है, पहले तो हम उसके लिए बहुत बहुत सारा उनको मुबारकबाद देंगे फेस टू फेस, और उनसे जानेंगे कि उन्होंने क्या क्या किया और कैसे कैसे किया, कैसे कैसे इतने पहाड़ जैसे पर्वत जो आज बॉलीवुड में है, उन्होंने कैसे कैसे सबको पार करके, सबको हटा के आज इस बुलंदी तक पहुंचे हैं। जैसे कि मैंने बताया दोस्तों, जैसे आप उन्हें मिलेंगे आप तो खुद बोलोगे अरे बाप रे बाप, मैंने इनको कहाँ कहाँ नहीं देखा, बट स्टिल आप बिलीव करोगे ये सो हम्बल, सो चार्मिंग, और उनको जो एक पद दिया गया है, एक जो उनको बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड इंडियन गॉडज़िला। सो हियर वी गो, लेट मी इंट्रो मिस्टर जाहिद अली खान। तो हम जाहिद जी को बुलाते हैं और उनसे ही जानते हैं उनकी अपनी स्टोरी। सो हियर वी गो, जाहिद अली जी ऑन द बोर्ड। सो वेटिंग टिक टिक 1 2 3 4 5 6 ये। हाय तानी। हाय माय इंडियन गॉडज़िला, हाउ आर यू? रॉकिंग एज एवर। वेरी वेरी वार्म वेलकम इन टी विद तनीषा सिंह मिस, प्रेजेंटेड बाय डीएसए बॉलीवुड चैनल। मैंने तुम्हारा ये डिजिटल चाय ले ली है यार। मुझे देखो मेरे भी। यस यस यस, टी विद टी तनीषा। Oh yes, thank you. So darling, how are you? First of all, tell me how are you? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल करम है, आप तमाम दोस्तों की दुआएं शामिल हाल हैं, और बहुत अच्छी सेहत में हूँ, बहुत खुशनुमा हूँ, बहुत खुशहाल हूँ आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह, और तमाम बुजुर्गों का आशीर्वाद मेरे साथ है, थैंक यू। आप तो लॉकडाउन में तो उल्टा, आप तो वैसे तो इतने हैंडसम है, लॉकडाउन में तो आप ज्यादा हैंडसम दिख रहे हैं। क्या बात कर रही, मतलब मुझे पता नहीं था कि लॉकडाउन में लोगों की नजरें इनायत इतनी अच्छी हो जाती है यार, फिर तो मतलब ये कहना चाहिए कि यार लॉकडाउन के वक्त ही मैं लोगों को नजर आऊं तो ज्यादा बेहतर है कि लोग मुझे अच्छी निगाहों से देखें। वैसे नहीं, कुछ नहीं है, आप वैसे इतने अच्छे हैं, जैसे कि मैंने सिर्फ बिकॉज ऑफ लोगों को कहने के लिए मैंने तारीफ नहीं की, वैसे ही आप इतना अच्छा, जैसे मैंने अपने दोस्तों अपने मेहमानों को बताया कि आपने जिस हिसाब से काम किया, लोग इतने सारे एटीट्यूड और ईगो लेके चलते हैं, बट आप इतने नेम और फेम, यू आर सो बिग सेलिब्रिटी, आपने कभी भी इसको इतना कैरी नहीं किया। पहले नवाज़िश के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कि नहीं, आप ऐसी बात नहीं, बहुत अच्छी तरीके से लेते रखा। और किस बात के लिए, मतलब मुझे तो आज भी ये सच कह रहा हूँ, इसको नॉट बीइंग मॉडेस्ट एट ऑल, मैं इसको वाहिद जात ऊपर वाले की हाजिर नाजिर जान के कह रहा हूँ कि किस दम पर आप, किस बिना पर आप ये ख्याल कर लेते हैं। मैं इस वक्त भी लेट मी शेयर समथिंग वेरी पर्सनल टू यू, अभी मैं ये लाइव वीडियो आने से पहले, जो उमूमन मैं हर शूट के पहले, हर शूट मेरा ये मामूल है, हर शूट से पहले मैं एक बात जरूर कहता हूं अपने रब से, जैसे मैं ऑन करने वाला था उससे पहले मैंने कही, ओ गॉड आई लव यू, आई नीड यू, प्लीज कम इन मी। तो ये जो भी हमारे, जो जब भी मैं कोई शॉट देता हूँ, शूटिंग पर रहता हूँ, तो ये मेरी एक पर्सनल दुआ होती है जो मैं अपने खुदावंद कुद्दूस से करता हूँ, क्योंकि मेरा जाती कुछ भी नहीं है, ये जो भी है ये उसका उसकी देन है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। और जब तारीफों के पुल बांधे जाते हैं तो मुझे लगता है कि वाकई यार मैं इसका मुस्तहिक नहीं हूँ, ये लोगों की मोहब्बत और शफकत है, और ये अंदरूनी कोई ताकत है, जो सुपीरियर पावर है, जो मेरे अंदर ये चीजें पैदा कर रही है, जिसकी वजह से आप सबका प्यार और स्नेह मुझे मिलता रहता है। सो स्वीट, सो स्वीट। तो जाहिद जी, हम जानना चाहेंगे आपकी स्टार्टिंग से, आपकी जर्नी सो फार टिल नाउ, बहुत अच्छा लगेगा अगर आप हमसे कुछ बातें शेयर करें, आपकी जर्नी कैसे शुरुआत हुई, आपने जैसे एक होता ना बिगनिंग, लाइक शुरुआत कैसे हुई, तो हम जानना चाहेंगे। बहुत मुख्तसर सा तारुफ है मेरा, बहुत मुख्तसर सा तारुफ है मेरा, न सोजे दिल हूं न दर्दे निहा हूं, अरे लफ्जों में मुझे कहां ढूंढते हो दोस्तों, मैं तो चेहरे पर लिखी हुई दास्ता हूँ। हाजरीन, बहुत ही मजदूरी से शुरुआत की, बहुत ही खस्ता हाली से शुरुआत हुई, बहुत स्ट्रगल के साथ इस फील्ड में शुरुआत हुई, स्कूल के दौरान से लगा रहा मैं ड्रामेटिक्स में, कॉलेज में फिर लगा रहा, बहुत सारे अवार्ड्स इनामात से मुझे नवाजा गया, और इसमें बहुत सारे लोगों को श्रेय जाता है। कॉलेज के दौरान मेरी जो टीम थी, मेरे जो साथी थे, उन्होंने मतलब कंधे से कंधा मिलाकर कदम ब कदम मेरा साथ दिया,
और मेरे डायरेक्शन में, मेरे रिटर्न प्लेस में मेरा साथ दिया, और आज भी मैं बड़े फख्र के साथ ये कह सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए कि 28 इनामात से मुझे नवाजा गया, ट्रॉफीज जो मुझे दी गई जो अब तक मेरे कॉलेज के अंदर मौजूद हैं, 28 अवार्ड्स वर गिवन टू मी, जिसमें सबसे बड़ा मेरे लिए माइलस्टोन रहा कि 2 साल तक मुसलसल मैंने महाराष्ट्र स्टेट साहित्य अकेडमी का अवार्ड हासिल किया। आई बैग वाह नेशनल अवार्ड ड्यूरिंग माई कॉलेज टाइम्स, और साथ ही साथ आई एम अ यूनिवर्सिटी, बॉम्बे यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट इन मोनो एक्टिंग। सो इंडस्ट्री वेट कर रहा था इतना हैंडसम लड़का जल्दी जल्दी से आ जाए, तो नहीं 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 हम जानना इंडस्ट्री नहीं चाहते थे वेट कर रही आप थी, इंडस्ट्री तो नकार रही थी, और ये ऐसा आलम भी नहीं था। बहुत बहुत ही मैं, मतलब अगर कोई शायद उस वक्त देख लेता मुझे तो कहता कि भाई ये आपने कौन सी राह चुन ली है, ये आप इसके लायक नहीं है। और लोग ये कहते भी थे, मुस्तैक नहीं थे, बोले आप इसके लिए। लेकिन उसके बाद बहुत जद्दोजहद रही, तो कॉलेज के प्लेस के बाद फिर मैं, मेरा जुड़ना हुआ मेरे दोस्त, मेरे बड़े भाई, मेरे उस्ताद की जगह पर हैं जनाब मुजीब खान साहब, उनके साथ हमने काम किया, उनकी जो एहलिया मरहूमा आलिया साहिबा रही, उन्होंने हमने साथ में काम किया। मेरा पहला प्ले रहा बादल सरकार का स्पार्टिकस, विच वॉज अ क्लासिक प्ले, मुंबई उसके में। बाद मुंबई में, मुंबई में। उसके बाद कबीरा खड़ा बाजार में किया मैंने उनके साथ, जिससे हमें बहुत मकबूलियत और बहुत प्रोमिनेंस हासिल हुआ। ये चलता रहा दौर। उसके बाद देन आई मस्ट मेंशन माय ग्रेट ग्रेट गुरु लेट दिनेश ठाकुर साहब, जिनका ग्रुप अंक आज भी जाना जाता है, बहुत ही मशहूर और मारूफ ग्रुप है, जो आज भी बहुत आला काम करते हैं ये लोग। प्रीता माथुर उनकी जो अहलियां हैं वो इसको लीड कर रही हैं इस वक्त, और मैंने बहुत सीखा अपने गुरु से। आज मैं थिएटर के एतबार से कहूंगा कि मैंने जो कुछ भी हासिल किया है वो मेरे मरहूम गुरु की देन है, मैं उनका शुक्र गुजार हूँ, शत शत नमन उनको। उसके तो बाद उन्हीं के आपने प्ले बहुत से सारे मुझे थिएटर्स किए हैं। प्ले किए, मैंने बहुत सारे थिएटर के अंदर काम किया। उसके बाद फिर मैंने फिल्मों के अंदर जब दाखला हुआ मेरा, तो माय फर्स्ट फिल्म वाज विद द लेजेंडरी फिल्म मेकर सुभाष घई साहब, द बिगेस्ट शोमैन आफ्टर ओह आर के। सुभाष जी के साथ मैंने इस इंडस्ट्री में अपना पहला कदम रखा उन्हीं के आशीर्वाद से। मेरी पहली फिल्म थी सौदागर, दिलीप साहब और राज साहब की फिल्म सौदागर, जिसमें बिल्कुल दिलीप साहब की जवानी का किरदार मैंने निभाया था। आपको अगर याद हो, अच्छा इमली का बूटा बेरी का पेड़, इमली खट्टी मीठे बेर, जी दिलीप साहब और राज साहब उस फिल्म में आफ्टर अ लॉन्ग गैप ऑफ 36 ईयर्स उसमें शामिल हुए थे, और मुझे चुना गया था उनकी जवानी। इट्स वे बैक, एजेस बैक, जब तब मैं कॉलेज पढ़ रहा था। एक्चुअली पढ़ाई मेरी, मैंने कंप्लीट नहीं की थी मेरा ग्रेजुएशन। एंड देन आई टेल यू तनी, बिकॉज इट बिकम्स, यू बिकम द डार्क शीप ऑफ द फैमिली व्हेन, जब आप इसका शौक रखते हो, थिएटर कर रहे हो, जहां द मनी इज क्वाइट स्कार्स एंड यू आर नॉट सफिशिएंट इनफ टू यू नो इनकॉर्पोरेट थिंग्स फाइनेंशियली, तो आप हमेशा घर वालों के लिए थोड़ा सा वो रहता है, वो एक बेचैनी रहती है, उनको भी उनकी जगह, वो गलत नहीं है कि हम सिक्योर्ड हो जाए, तो उस तरह से। बट देन आई कंप्लीट माई ग्रेजुएशन, आई डिड माई बीई सिविल फ्रॉम साबू सदीक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, तो मैं एक सिविल इंजीनियर भी हूँ साथ ही साथ, अरे डिग्री होल्डर। वाह और उसके बाद फिर मैं दोबारा कूदा फिर इस फील्ड के अंदर, एंड देन आई लैंडेड इनटू फिल्म्स, जिसमें मुझे लीडिंग फिल्म्स दी गई, कई फिल्में मेरी थी लीडिंग फिल्म्स थी। और एक जो मेरी पहली फिल्म थी, पहली फिल्म एज द लीड, जिसका नाम था शबाब, वो आज तक रिलीज नहीं हुई। ये बहुत आर्टिस्टों के साथ होता है, बहुत और पहले ये रिलीज तो नहीं हुई, लेकिन इसके लिए इसका सबसे बड़ी ट्रेजेडी इसकी ये रही, जो मैं आज मुस्कुराते हुए कहता हूं, हालांकि बहुत अंदर से कोफ्त होती है, क्योंकि उस फिल्म में तब दौर था रोमांटिक हीरोज का, तब आमिर खान आए हुए थे, सलमान भाई आए हुए थे, सब सारे लोगों कयामत से, तो रोमांटिक फिल्मों का दौर था, जहां लवर्स, लड़का लड़की जो है वो दो खानदानों में टकराव उस तरह का हुआ करता था। तो उस फिल्म में मैंने 7 किरदार निभाए थे, 7 मुख्तलिफ किरदार निभाए थे, विच वॉज तो मतलब उस वक्त के लिए इट वॉज, इट वुड हैव बीन अ माइलस्टोन। मैं हैदराबादी प्ले कर रहा था उसमें, सरदार पंजाबी प्ले कर रहा था उसमें, बंगाली प्ले कर रहा था, लखनवी नवाब था मैं, अंग्रेजी बना हुआ था, लड़की तक बना हुआ था मैं, तो उसमें मैंने मुख्तलिफ किरदार निभाए थे। जब हम शूटिंग करते थे, क्योंकि वो ऐसा था कि वो किरदार हॉस्टल हुआ करती है लड़की की, और लड़की से मिलने के लिए हर बार एक एक अलग अलग कैरेक्टराइजेशन करके ही जाता है, तो शूटिंग के दौरान ये था कि भाई यार ये बंदा तो मतलब स्टार बन गया, ये तो निकल जाएगा, ये तो ऐसा परफॉर्म कर रहा है, और ये जो रोल्स कर रहा है वो संजीव साहब ने और उन्होंने किए हुए हैं, बहुत सारी तारीफें चलती रही। हम भी यार उन दिनों बड़े बुलबुले में उड़ते रहे,
और अफसोस की बात यह है कि उस फिल्म की पूरी शूटिंग कंप्लीट हुई, पूरी एडिटिंग कंप्लीट हुई, पोस्ट प्रोडक्शन हुआ, पूरी डबिंग हुई, सारी चीजें हुई, बैकग्राउंड म्यूजिक हुआ, फर्स्ट कॉपी आउट हुई और उसके बाद फिल्म बंद हो गई। आप सोचिए, फर्स्ट फर्स्ट कॉपी आउट होने के बाद फिल्म बंद हो कॉपी गई। आउट होने के बाद फिल्म बंद हो गई, और वो सबसे बड़ी ट्रेजेडी रही। थोड़े से मतलब प्रोड्यूसर और डायरेक्टर में इख्तलाफ हो गया, बहुत सारी चीजें आ गई, मैटर एसोसिएशन में चला गया, और फिर वो चीज मतलब ऐसी होती गई कि पड़ी रही पड़ी रही पड़ी रही, फिर खत्म हो गई। और उन दिनों जो एक तरह से तजुर्बा भी हुआ मुझे, जो आज लोग कहते हैं स्ट्रगल की दुनिया, तो शुरुआत में ही मतलब कहते हैं कि सब कुछ आ गया, यहां तक आ गया, और बस यहां आके जो अटका, तो फिर उसके बाद जो है अब समझौता कर लिया कि जिंदगी कल एक सपना है, बस ये पल अपना है। मेरी भी एक ऐसी ही फिल्म थी जो आज तक बनी, सब कुछ हो गया, डबिंग हो गया और आज तक रिलीज नहीं, जबकि इतनी अच्छी फिल्म थी वो। इसलिए तो मैंने कहा कि आप बहुत और भी ऐसे आर्टिस्टों को देखा है कि जिनकी पहले करेक्ट फिल्म करेक्ट, रिलीज नहीं होती, बिल्कुल बहुत बिल्कुल 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 वो बिल्कुल बहुत अच्छी फिल्म थी, कॉमेडी फिल्म थी। और आई वॉज देयर एजाज एंड मी, वी वर प्लेइंग एज अ मेन लीड, वो भी ऐसे ही हुआ। मतलब सारी चीजें होगी और वो बहुत दुख होता है ना जब सारी चीजें प्रिपेयर हो जाती है या और वो करेक्ट करेक्ट। रिलीज नहीं होती है। देर आर प्लेंटी ऑफ पीपल ज्वाइनिंग एंड आई कैन सी, आई एम सॉरी टू सबसे कट यू ऑफ, आई पहले एम सॉरी आप डियर। लोग, आपको मैं बोलना चाहूंगी, हमारे एक एक फ्लो में हम स्टार्ट करती है। सबसे जी पहले जी बिग कॉन्ग्रेचुलेशन आपकी जो नई फिल्म आने वाली है, जी जी बिकॉज जी वो जी मैंने सोचा था कि आपके इंट्रो से पहले नहीं बताऊंगी, थोड़ा सा सीक्रेट रखूंगी, बेबी आई कि अब एक्सपेक्ट, मैं चाह रही थी कि मैं आपके फेस पे बोलूं कि कॉन्ग्रेचुलेशन, वो थैंक यू दिल से सो मच, कॉन्ग्रेचुलेशन, दिल से। थैंक यू सो मच डियर, थैंक यू और सो मच, एक कोई आई एम अपना ऑनर्ड, अच्छा दोस्त जब आगे बढ़ता है तो बहुत खुशी होती, तो आप सो तो स्वीट, मेरे सो डार्लिंग स्वीट, फ्रेंड सो हो। स्वीट ऑफ यू, सो स्वीट ऑफ यू, तो आपकी दिल मोहब्बत है, से शफकत है, और आई फील ट्रूली हम्बल्ड। और ये फिल्म मेरे लिए भी एक बहुत अरसे के बाद मैं फिर से फिल्मी दुनिया की तरफ जानिब मेरा रुख हुआ है। पहले शुरुआत फिल्मों से हुई, उसके बाद टीवी में मुसलसल मैं मसरूफ रहा, मुसलसल टीवी करता रहा, और उसके बाद एक अरसे के बाद मैं फिल्मों में आया हूँ। और फिल्मों में भी जो आया हूँ, ये कहना चाहिए कि मुझे लाया गया दोबारा फिल्मों में टीवी से, उसका श्रेय जाता है मेरे अजीज तरीन दोस्त, डायरेक्टर दोस्त अभिषेक भाई, जिनके साथ मैंने तकरीबन 7 से 8 सीरियल्स किए हैं, शोज किए हैं, उनके साथ बहुत काम किया उनके साथ मैंने, एंड ही इज वन ऑफ माई मोस्ट आर्डेंट एंड अडोरेबल डायरेक्टर्स जिनके साथ मैंने काम किया है, एंड ही वॉज द पर्सन हु ब्रॉट मी स्पेशली फॉर दिस फिल्म, इट्स अ वेरी बिग फिल्म फॉर हिम टू। इसका नाम है भुज द प्राइड ऑफ इंडिया। अभी हाल में अजय देवगन साहब ने भी ट्वीट किया था और इंस्टा पर भी डाला था उन्होंने। हमारी ये फिल्म रिलीज होनी थी 15 अगस्त को, वैसे जो तय था इनिशियली, एंड वी वर ऑन द कंप्लीशन मूव। हमारा अभी भी सेट लगा हुआ है फिल्म सिटी के अंदर, जिसमें हमारी 3 दिन की शूटिंग बाकी थी, हम सारे एक्टर्स वहां पहुंचे हुए थे, और लॉकडाउन के हालात की वजह से हम नहीं कर पाए, बट फाइनली द प्रोड्यूसर्स हैव टेकन द डिसीजन टू कम इन ऑन हॉटस्टार। तो अब वो डिजिटल प्लेटफॉर्म, बिकॉज सारी फिल्में, अक्षय साहब की फिल्म आ रही है उस पर लक्ष्मी बॉम्ब, दैट्स ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म, आलिया भट्ट की आ रही है सड़क 2, तो अब सारे लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म की जानिब रुख कर रहे हैं, बिकॉज देर इज रिलक्टेंस स्टिल इन पीपल एंड ऑडियंस कि जब ये थिएटर्स ऑन होंगे, पता नहीं एक तो कब ऑन होंगे, और जब ऑन होंगे तब भी लोग फैमिली के साथ, मुझे नहीं लगता कि इतनी वो जल्दी इतनी जल्दी जो है वो रिलक्टेंट होंगे जाने के लिए। टूरिस्ट नहीं तो लेना इसलिए चाहेगा ना। जी, तो इसलिए इन लोगों ने ये प्लेटफॉर्म चुना है डिजिटल, एंड टुडे द ओटीटी प्लेटफॉर्म इज सो अक्लेम्ड। इस फिल्म का नाम भुज द प्राइड ऑफ इंडिया है, जिसमें अजय देवगन हैं, सोनाक्षी सिन्हा हैं, संजय दत्त हैं, नोरा फतेही, शरद केलकर, एंड खाकसार जाहिद अली इसमें मेन विलन कर रहा है। मैंने डाला बहुत था बुरे सब इंसान का जगह काम कर कि रहा हूं। हाँ, बिकॉज ऑफ बहुत बड़े प्राउड की बात है, एक गैप के बाद जब कोई बहुत बड़ा ब्रेक मिलता है, जी जी तो दैट इज वेरी। और जैसे कि आपको मिले गए हैं, बिकॉज आप वैसे इतने स्वीट हो, आप सिर्फ अपने आप से मतलब रखे हो। मतलब आई नो सो मेनी पर्सन, सो मेनी पर्सनैलिटी इन फिल्म इंडस्ट्री, अपार्ट फ्रॉम फिल्म इंडस्ट्री ऑल्सो, बट आप एकदम अलग ही हो रहा है। सो यू ऑलवेज आप हेल्पिंग नेचर में रहते हो, मुझे खुद कितनी बार ऑफर करते हो, ये प्रोजेक्ट देख लो, वो प्रोजेक्ट देख लो। तो जो कहते हैं ना, जरूर जो जरूर, इंसान देता है तो भगवान भी उसको बहुत कुछ देता है। तो बेशक इसलिए बेशक, ऊपर आज वाले ने नवाजा आप है। कौन से फ्रेम में नहीं हो, आप एड से लेके, आप सीरियल से लेके, थिएटर से लेके, मूवी से लेके, और आज इसके अलावा भी आपकी बहुत सी फिल्में ऐसी है सभी जहाँ की पे एज अ दुआएं हैं लीड भी हबीब, आए हो, आप एज अ विलन भी आए हो। तो
आपको बरकत तो ऊपर वाला देगा ही देगा। आमीन आमीन आमीन। सो स्वीट सो स्वीट। ये आप मतलब हंड्रेड मोहब्बत है, परसेंट सभी ऐसा की कर दुआएं हैं सकते मेरे हैं। साथ, और मैंने तमाम मुख्तलिफ किरदार निभाए, हर तरह का किरदार निभाने का मौका मिला। ये भी एक बहुत बड़ी देन है, वरदान है एक तरह से, कि आपको हर तरह का किरदार, रोमांटिक निभाया, थ्रिलर निभाया, सीरियस निभाया, विलन निभाया, हीरो निभाया, कॉमेडीज की, जी हाँ सस्पेंस, मतलब एवरी जॉनर ऑफ एक्टिंग फोर्टे हैज जी बीन जी अनरेवल्ड बाई मी, एक्सप्लोर्ड बाई मी, और जिसके जरिए मैं अपने आप को भी, अपने टैलेंट को भी एक्सप्लॉइट कर पाया। जी हालांकि ये मुझे भी नहीं पता था कि क्या क्या चीजें हैं, और आज भी मुझे नहीं पता, ये सच बात है, कि बस एक श्रद्धा के साथ, श्रद्धा पूर्वक उस काम को निभाता हूँ। कर्मण्ये बाधिका रस्ते मा फलेषु कदाचन, निष्ठा से चलो अपना हमें कर्म किए हमारे कुछ जाओ, सवाल बस है आपके फल की लिए। इच्छा मत। जी, आज बिल्कुल ना बिल्कुल बिल्कुल। शुरुआत में एक आए सेकंड, सॉरी, जरा, बहुत सारे लोग हैं, आई कैन सी बहुत सारे, मैं इंडिविजुअली एक एक को, बेचारे प्रवीण वर्मा, सागर सर का आइकॉनिक, मैं तमाम लोगों का खैर मकदम करता हूँ। स्वागतम, वेलकम टू यू ऑल फॉर दिस लाइव चैट, एंड आप सभी हमें बर्दाश्त कर रहे हैं, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। नहीं, हम सब पे आते हैं। हम एक प्रोग्राम का जब एक 5 मिनट लास्ट का हम सबके लिए रखते हैं, क्योंकि जी 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 अभी जरूर, हमारी एक कन्वर्सेशन हो रही है ना, तो करेक्ट सबको करेक्ट करेक्ट, मालूम है कि हम एक प्रोग्राम के लास्ट में एक 5 to 10 मिनट एग्जैक्टली रखते हैं लोगों के लिए। फिर भी अभी जो एग्जैक्टली, लोग आए, थैंक यू दिल से। हबीब थैंक मेरे यू बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत ही सर। यस यस खास, यस और यस, कॉमन फ्रेंड, कॉमन फ्रेंड। हाँ कॉमन फ्रेंड, तो उन्होंने उनके तरफ से भी हाय बोला। हाय हबीब, प्लस हमारे जो सपोर्टर है डीएसए बॉलीवुड, उनके तरफ से भी उन्होंने यस, आपको रिगार्ड्स किया है, हमारे सपोर्टर, हमारे प्रेजेंट, और बहुत सारे नमस्ते आपके दोस्त जुड़े हैं। मैं आप लोग के पास बहुत जल्दी आऊंगी, पर बिकॉज आज जाहिद जी से बहुत सारी बातें करनी है हमें, तो पहले प्लीज हम प्लीज जाहिद प्लीज। जी से बातें कर ले। तो जाहिद जी, आप बताइए, जब आप स्टार्टिंग में आए थे तो कोई भी चीजें इतनी स्मूथ तो होती नहीं, तो आपके साथ भी बहुत सारी चीजें ऐसी हुई होगी, बिकॉज एक नया फेस, एक नया लड़का इंडस्ट्री में आया जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं, कोई बैक सपोर्ट नहीं, तो आपको तो बहुत सारे चीजों का सामना किया होगा। तो ऐसा कौन सा वर्स्ट चीज था आपके साथ जो खराब, मतलब यू नो, शायद हम जान पाए, हमारे अच्छा लगे, क्योंकि हम, उसे हमारा मकसद ये होता है जाहिद जी इस प्रोग्राम का, टीवी तनिषा में हम ज्यादातर नहीं, हम उन्हीं को लाते हैं जो अपने बलबूते और अपने दम पे बने, अपने मेहनत से बने। बहुत अच्छी अगर पोस्ट, शाहरुख खान का बेटे ने अगर कुछ किया तो वो मेहनत नहीं हुई हो, तो क्योंकि शाहरुख खान था तो वो तो हो नहीं था, और वो हिट और फ्लॉप है वो उसकी किस्मत है। आप जैसे, हम जैसे लोग, हमारा कोई बैकग्राउंड नहीं है, हम अपने करेक्ट बलबूते पे करेक्ट, जहाँ पे भी जैसे बेशक भी है। बेशक तो बेशक आप बेशक। बताइए, आपका जब सफर शुरू हुआ तो आपको क्या क्या कठिनाई, आपको क्या क्या बर्दाश्त करना पड़ा, तो थोड़ा सा अगर हमें आप बता दें तो लोगों के लिए भी अच्छा हो जाएगा। अरे वो रास्ता ही क्या जिसमें यार सारे फूल खिले हों, पुरखार तो होने चाहिए, थोड़े जख्म लगने चाहिए, कभी अपनों के कभी गैरों के, तब हाँ तो आप पुख्ता बनते हैं, एकदम स्ट्रांग बनेंगे आप, मजबूत रहेंगे। तब जब आज के हालात पेश होंगे, लॉकडाउन होंगे, इंडस्ट्री आपकी मुखालिफत पर खड़ी होगी, लोग आपके सपोर्ट में नहीं होंगे, तब भी आप ऊपर वाले का साथ लेकर कदम चलते रहेंगे, आपके आपकी मेहनत और मशक्कत, आपकी श्रद्धा के साथ आप चलेंगे। कठिनाइयां तो हर दौर में आई हैं, हर एक के साथ आई हैं, ऐसा कोई नहीं है, मैं उसमें जुदा नहीं। हाँ, पर्सनल एक्सपीरियंसेस में ये जरूर कहूंगा कि बहुत ज्यादा मेरी अच्छाई का फायदा उठाया है इंडस्ट्री वालों वही ने। हम जानना चाह रहे हैं जाहिर जी, कई बिकॉज हाँ प्लीज। कई ऐसे सिचुएशंस आए मेरी, मैं लिटरली क्राउड में खड़ा करते थे लोग, और हमें क्या था उन दिनों, तब, आप डोंट वरी, हमें किसी का नाम नहीं जानना, हाँ हमें सिर्फ नहीं आपके नहीं बातों हाँ को बस ये है सुनना कि हाँ, कि उन दिनों क्या था, तब टीवी इतना वो प्रोमिनेंट प्रोमिनेंस पर नहीं था, और फिल्मी है। दुनिया में कदम रखना यानी बहुत बहुत बड़ा काम था, बहुत बड़ी मुश्किलों वाला अच्छा काम था, क्योंकि एक ट्रेडिशनली चला आ रहा था कि जो कपूर खान क्लैंस हैं, ये सारी चीजें चली आ रही थी, तो हमारे जैसे लोगों के लिए उसमें दाखिला हासिल करना और फिल्मी दुनिया में एक मकाम लेना बहुत मुश्किल काम था। तो उन दिनों हमें क्राउड में भी एंट्री करने मिल जाता था, तो हम अपने आप को खुश नसीब समझते थे, और रात से ही कपड़े की तैयारी करता था, क्या कल पहन के जाना है, उसको प्रेस कर रहे हैं, अच्छा जूते तैयार कर रहे हैं, सब सारा कि डेकटप होके जाएंगे। अब हम तो पहुंच ओह जा रहे हैं सुबह की 9 बजे की शिफ्ट में, 8 बजे से पहुंच जा रहे हैं, पता चला रात के 8 बजे शॉट आ रहा है, वो तो खैर वैसे ही होगा हमारे साथ, लेकिन सुबह से हम तैयारी करके जा रहे हैं, तो क्राउड में खड़ा कर दिया जाता था, और हमें लगता था कि हम शूटिंग करके आए, क्योंकि सामने हमारे बड़ा स्टार खड़ा होता था, तो दिल को इत्मीनान रहता था कि अरे हम इनके साथ शूटिंग कर रहे हैं, लेकिन जब पर्दे पर देखते थे तो हम नजर ही नहीं आ रहे, सिर्फ वो नजर आ रहे हैं। और एक बहुत सारे हादसे रहे हैं, बहुत सारे मेरे साथ, इसमें एक फिल्म का तो बहुत ही कमाल का रहा, मुझे एक फिल्म के लिए बुलाया गया था, और जो ही मैं सेट पर पहुंचा तो मुझे ड्रेस रूम पे भिजवा दिया गया, और मुझे बोले कि आप सर ड्रेस पहन लीजिए।
मैंने कहा अरे वाह यार, तो बहुत मतलब मैं समथिंग इंपॉर्टेंट होगा कुछ मुझे बोल। सर आप रेडी हो जाइए, रेडी हो जाइए। बस मुझे ड्रेस रूम पर ले जाया गया। उन दिनों रूम वूम भी नहीं मिला करते थे हमें, तो हम ड्रेस रूम पे चेंज कर रहे हैं, तो लेदर की पैंट्स थी, लेदर का जैकेट था, टी शर्ट था अंदर, और गन वन दे दी गई मुझे। आई वॉज इलेटेड, मतलब आई वॉज सो एक्साइटेड। मैंने कहा क्या बात है यार, लेदर का सब पूरा ड्रेस व्रेस। एंड उन्होंने कहा, बोले ये आप सर आपके लिए रखा हुआ है ब्लैक कलर का। तो आई थॉट के कुछ कमाल होगा। अच्छा शॉट भी हुआ। शॉट के वक्त मुझे उस वक्त कैमरा एंगल्स का इतना इल्म नहीं था, इतना नॉलेज भी नहीं था मुझे। शॉट हुआ, सीन हुआ, मुझे खड़ा करके जो है वो सीन हो गया। एंड व्हेन आई रिटर्न बैक, सो आई वाज सो एक्साइटेड एंड सो हैप्पी। मैंने कहा यार क्या एकदम लग रहा हूं मैं यार, जैकेट वैकेट पहना हुआ, गन वन लेके पूरा। एंड जो ही मैं लौटा हूँ ड्रेस रूम पर, मतलब मेरे सारे अरमान सारे सपने जो है वो चकनाचूर होकर रह गए। मुझे ड्रेसमैन ने कहा कि आपकी हाइट और बॉडी एकदम परफेक्ट है। तो मैंने कहा किस बात से परफेक्ट है सर? तो बोले नहीं वो एक्चुअली आप और जावेद जाफरी एकदम बराबर लग रहे हैं, हाइट वाइट ये वो जो है वो। तो मैंने कहा अच्छा, हमें बोला वो मेरे जैसे दिखते, मतलब मैं उनके जैसा दिखता हूँ क्या ये वो? नहीं, बोले हाइट और ऐसा पर्सनैलिटी जो है ना आपकी जो है वो, ये आपके देखो ना उनको कपड़े परफेक्ट आ गए आपको। तो मैंने कहा उनके कपड़े? बोले सर आपसे डुप्लीकेट का काम करवाया उन लोगों ने। मैंने कहा यार ये मुझे, मैं एक्टर आदमी, मैं क्या जज्बात लेके चल रहा हूँ, रात से सही प्रे बात कर रहा हूँ, सुबह उठ के मैं श्रद्धा पूर्वक अपना पूजा पाठ करता हूँ, अपनी नमाज अदा करता हूँ, कोशिश करके जाता हूँ कि यार मेरा शूट होगा, मैं ये करूंगा, जब पहन रहा हूँ तो तैयारी कर रहा हूँ, दुआ मांग रहा हूँ, और ये मेरे से डमी करवा रहे हैं किसी और का जो है। और मुझे बताते मतलब बताया तक नहीं जाता था, सही और बात है। बहुत एक्सप्लॉइट किया जाता था, तो बहुत दर्द होता था, बहुत तकलीफ होती थी कि यार ऐसा क्यों कर रहे हैं। एक फिल्म थी जिसमें उस वक्त के मशहूर मारूफ स्टार्स मौजूद थे उस फिल्म में, और बहुत बड़ी फिल्म थी उस वक्त की, लेकिन वो भी फिल्म आज तक रिलीज नहीं हुई क्योंकि उसमें बहुत तल्ख तजुर्बा हुआ था मेरे साथ। जी एक पुराने एक्टर थे मरहूम बेचारे, बहुत ही कमाल के एक्टर, सदाशिव अमरापुरकर साहब, उनके हाँ पीछे मैं गन गन लेकर खड़ा था, और सामने डिम्पल साहिबा थी, एंड चूंकि मैं उनका गार्ड टाइप था, हेंचमैन था उनके लिए सदाशिव साहब के साथ, एंड डिम्पल मेरे बॉस को जो है लथाड़ती है। तो आई वॉज लाइक रिएक्टिंग के, मतलब अगर बॉस इशारा करे तो मैं इसको उड़ा दूं, इस तरह का आलम था। बेसिकली एक्टर था, तो इसलिए मैं एक्सप्रेस करता था अपने आप को, इन कैरेक्टर रखता था। बदकिस्मती ये हुई कि सदाशिव साहब ने 10 या 12 रीटेक दे दिए थे उस वक्त। अच्छा उन दिनों वो डब्बा चला करता था, स्टॉक हुआ करता था, रॉ स्टॉक जो है, रील आज की तरह चिप सिस्टम नहीं, यहाँ घर रील जो चलती है, तो वो 100 फीट यूं निकल जाता, 13,000 रुपए का डब्बा हुआ करता था, और वो जो अच्छा है फट से जो है यूं निकल जाती। तो उस वक्त प्रोड्यूसर की जो धड़कने हैं नहीं ऐसी तब धड़क तब धड़क, तब 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 अब वो 12-13 रीटेक हो गए, तो वो मतलब पारा एकदम एक्सट्रीम हो गया। और सरे बज्म सबके सामने, तकरीबन 70-80 लोगों का यूनिट होगा, और मुझे गालियों से इतना बेइज्जत कर दिया उन लोगों ने, मतलब ऐसा क्या क्या नहीं कहा मुझे उन्होंने। और मेरा कोई कसूर ही नहीं, मेरा कोई लेना देना ही नहीं है इसमें, शॉट उनका है, वो नहीं दे पा रहे थे, और मैं पीछे खड़ा था, मैं एक्सप्रेस कर रहा हूं, तो उन्होंने मतलब मुझ पर बरस गए कि कौन लेकर आ गया इसको, कौन लेकर, कहां से उठा के लाया इसको, तुम क्या एक्टिंग कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो? अच्छा मैं कुछ कह भी नहीं पा रहा हूं, मैं कह रहा हूँ सर एक्चुअली। बोले शट अप, तुमको किसने बोला, इसको बाहर निकालो उसको। अब ये सोच रहे हैं कि हमें तो काम मिला हुआ है, तो हम सर झुका के जो है गालियां भी सुन रहे हैं, ये भी सुन रहे हैं, और कोई कसूर ही नहीं, कोई कसूर ही नहीं। आप सरे बज्म जो है, आप किसी एक एक्टर को जिसके पास कोई सहारा नहीं है, तो उसको आप बेइज्जत कर रहे हो, क्योंकि आपका मकाम है, आपका मकाम है। इसलिए मैं आज ये चीज आप जैसे कहती ना, मैं हमेशा सोचता हूँ नहीं किसी के लिए मत करो, कोई पता नहीं, पता अगर हो भी ना कि अगर वो बड़ा बनने वाला है, नहीं भी बनने वाला, लेकिन एक अच्छे इंसान की तरह तो पेश आओ यार, एक इंसान की रिश्ता तो रखो कम से कम। तो सही बहुत बात तकलीफ है। हुई, और आज ये हुआ कि मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मैंने उस फिल्म के लिए कोई बद्दुआ दी होगी, कभी नहीं, किसी के लिए नहीं कहा, लेकिन वो फिल्म बनी, मतलब वो फिल्म बनी ही नहीं बाद में, बहुत बड़ी फिल्म थी उस वक्त, उसमें राज बब्बर साहब थे, शत्रुघ्न सिन्हा थे, डिम्पल साहिबा थी, सदाशिव असरानी, बहुत लोग थे, और वो फिल्म हुई ही नहीं बाद में। और मैं उस वक्त ये सोच रहा था शॉट के दौरान कि काश अगर मुझे एक मौका मिल जाए, अगर ये सिर्फ पोजीशन शिफ्ट होता है, ये यहां आ जाए सदाशिव अमरापुरकर, यहां आ जाए और मैं वहां पहुंच जाऊं, और देखो मैं क्या शॉट देके दिखाता हूं। और मैं अंदर से ये सोच रहा हूँ, और ऊपर से गाली सुन रहा हूँ, और सर झुका के सोच रहा हूँ कि क्या कहूँ मैं यार, मेरा कोई टू कसूर ही सैड नहीं टू सैड टू है। सैड बहुत सही सारी चीजें होती रहती है, इंडस्ट्री है यार, इस तरह की बात चीजें।
और बट खासकर फ्रस्ट्रेशन हमें नहीं आना उन चाहिए। दिनों हाँ ज्यादा होता था, जहां तक हाँ मेरा ख्याल है उन दिनों बहुत बहुत ज्यादा ज्यादा था, था। बहुत ज्यादा, बहुत अब ज्यादा। होता मुझे है क्योंकि तो डांस अब मास्टर्स ने ज्यादातर बहुत टॉर्चर किया, बहुत टॉर्चर किया डांस मास्टर्स ने, बहुत टॉर्चर किया यार। फाइट मास्टर्स में मैं मरहूम अकबर बख्शी साहब का नाम लेना चाहूंगा, जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए। मैं उन दिनों कुछ भी नहीं था और वो बहुत बड़े मकाम पर थे। अक्षय ने सारी फिल्में उनके साथ की हैं, मरहूम अकबर बख्शी साहब के साथ बहुत बड़ा नाम रहा। और मैं कुछ ना होते हुए भी उन्होंने मुझे वही मकाम दिया, वही इज्जत बख्शी जो किसी स्टार को बख्शी बिल्कुल होगी। बाकी कोई बड़े उस वक्त के जितने फाइट मास्टर्स थे या डांस मास्टर्स थे, वो नए लोगों को बहुत इल ट्रीट करते थे, बहुत इल ट्रीट करते थे। स्पेशली जब मैं एक फिल्म कर रहा था, तो उसमें हीरोइन जो है वो टाइम ले रही है, मेकअप कर रही है शॉट के वक्त, ये वो मैं रुका हुआ हूँ। अब मैंने अगर भूल चूक से बिलफर्ज अगर ये कह भी दिया, अरे मेकअप है क्या, तो सीधा मेरे पे शुरू, क्या मेकअप करना है, एक्टिंग पे ध्यान दो, मेकअप क्या होता है, हाँ एक्टर बनना पड़ रहा है, तो समझोगे कब ये हुआ। अच्छा मैं सोच रहा हूँ, फिर मैं शाम में जाके लिटरली मैं रूम में रोता था। मैं कहता था कि क्यों, तो मुझे वो असिस्टेंट आती थी उनकी, मास्टर जी की, और वो मुझे बोलती थी तुम मत करो यार, ये सब चीजें होती रहती है और तुम आगे जाओगे, मैं तुम्हें कह रही हूँ, मुझे बहुत सालों पहले उन्होंने कहा था। और बहुत बड़े मास्टर की वो असिस्टेंट थी, और उन्होंने मुझे उस वक्त ये दुआएं दी थी कि तुम बहुत आगे जाओगे, मैं तुम्हें कह रहा हूँ तुम ये चीजों को दिमाग में मत लाओ। और सिर्फ मसला ये है कि प्रोड्यूसर और डायरेक्टर दोनों उस हीरोइन के आशिक हैं, और वो अच्छा तुमसे बातें करती है और वो तुम्हारे साथ सीन कर रही है, तो वो तुम्हारे पे अपना गुस्सा निकाल रहे हैं बस, और कुछ नहीं। ये तो गलत मैंने है, वो कहा तो यार ये आपका तो काम है, मतलब आपका प्रोफेशन ये तो है। मैंने कहा यार मेरा, यार अब ये आलम हुआ हाँ करता था इंडस्ट्री में कि अगर वो है तो आपको आपको टॉर्चर सहना है, आप कुछ बोल नहीं सकते, पैसा अपना मांगना है तो एक एक्सक्यूज लेकर जाना है उनके पास कि भाई घर का भाड़ा देना है या प्रॉब्लम है या ये है ये, मतलब आपका हक आपको कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं दिया जाएगा। तो उस लिहाज से अभी इंडस्ट्री में ये बदलाव बहुत अच्छा हुआ है, कॉरपोरेट स्ट्रक्चर आने से बहुत अच्छे लोग आए हैं, और कल्चर्ड पीपल एंड साइमल्टेनियसली अ प्रोफेशनल अप्रोच टुवर्ड्स एवरीथिंग इन एवरी जॉनर एंड एवरी एस्पेक्ट आई मस्ट से। बिकॉज अगर हम किसी अब का जो है, जब से हमने भी जैसे काम स्टार्ट किया है, तो आप नए हो या पुराने, बहुत ही डिसेंट वे में से बात करते हैं। और करेक्ट बहुत, करेक्ट अगर धक्के भी मार के निकालना है ना, तो जस्ट ये बोलेंगे ओके नो प्रॉब्लम, विल लेट यू नो, विल बस करेक्ट, यू, विल नहीं दिया मैसेज यू। करेक्ट, अब इट्स अ समझ में कॉर्पोरेट नहीं आता स्ट्रक्चर। है, बंदा तारीफ कर रहा है कि नफरत कर रहा है। सही 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 सही, हाँ थोड़ा सा डिप्लोमेसी ज्यादा आ गई है, हिपोक्रेसी बल्कि ज्यादा आ गई है। पर ठीक है, कम से कम ये है कि आपको उस तरह से बेइज्जत नहीं किया जा रहा जिससे आपके हौसले पस्त हो जाएं या आप इतने डिमोरलाइज हो जाएं, आपको गालियां दी जाएं ये जाएं, तो आप बहुत डिमोरलाइज हो जाते हैं इसमें, जो वो थोड़ा सा भी इसलिए अगर शायद हो सकता है, पहले जो आप लोग जब थे, आप लोग उस समय, जैसे आज से काफी 10 साल से सोशलाइट लोग सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए। मतलब अगर किसी ने कुछ बोला तो उसका फटाक से हिडन करेक्ट शूट करेक्ट करके पोस्ट कर देते हैं। ये तो इस वजह से भी शायद हो सकता है, फियरनेस हो तो लोग शायद इसलिए डरते हैं। हो भी सकता है इस वजह से, क्योंकि अभी कैसा हो गया, अगर किसी ने किसी को कुछ बुरा बोला तो पहले लोग बर्दाश्त कर लेते थे, छोड़ते थे, छोड़ यार मेरा वक्त आएगा मैं तब देखूं। पर अभी क्या, अच्छा तूने बोला, वो इमिडिएटली उसका वीडियो कब बन जाएगा, सर्कुलेट कब हो जाएगा, 10 जगह बट कब जाएगा, वो बदना बदनाम भी हो जाएगा। बेशक 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 अब जैसे मी टू या जो भी है, वो सारी चीजें होती थी, बहुत सारे एक्सप्लॉइट होते थे, नहीं होते थे करेक्ट करेक्ट उस करेक्ट, समय। ये तो बहुत सदियों से चलता आ रहा है। सदियों से चला। हाँ, अगर अगर हम अपने इंडस्ट्री से या कोई भी इंडस्ट्री की बात करेंगे तो ये तो सदियों से चलता रहा। बट आज के लोग क्यों ज्यादा अवेयरनेस है, बिकॉज आज के लोग स्मार्ट हो गए। आज एक 12 साल के भी बच्चे को अगर कोई प्रोड्यूसर डांट देगा, अगर वो ऑर्डिनरी भी फैमिली का, उसको भी मालूम है मुझे क्या करना है। यस करेक्ट तो करेक्ट करेक्ट, इसलिए आज वो लोग खुद डरते हैं, कि वो खुद सोचते हैं यार इसको बोलो कि नहीं बोलो। तो सबसे बेस्ट है स्वीट पॉइजन वाले भय, आ वी लेट यू नो, वी लेट यू नो, या सुपर यू डर, अरे डर यार, योर ऑसम लुक इज करेक्ट सुपर, करेक्ट करेक्ट, लेट मी शो दिस टेप टू माय डायरेक्टर, आई विल लेट यू नो, विल व्हाट्सएप यू, या कीप इन टच। लेकिन आई पर्सनली फील तनी कि जब आप परफॉर्म करते हैं ना एज एन एक्टर, मुझे नहीं पता बाकियों का क्या है, लेकिन मेरा ये स्ट्रांग मानना है और कि सभी के साथ ये होता होगा, आपको ये महसूस हो जाता है आप तारीफों के मोहताज ना रहें, जो मेरे साथ रहा है कभी, मैं तारीफ मतलब ये कि शॉट अच्छा, मैं कभी किसी से नहीं पूछता, कभी नहीं पूछता कि शॉट मेरा कैसा मैंने किया,
कैसा लगा आपको, क्या हुआ? क्योंकि मेरा दिल मेरा जमीर मुझे बता देता है, अगर अच्छा होता है ना, आप यकीन नहीं मानोगे, मुझे इतना जबरदस्त हैंगओवर होता है कि जब मैं ड्राइव करता हूँ फ्रॉम, इफ आई एम ट्रेवलिंग फ्रॉम नाईगांव, वो रास्ते भर में मैं रिपीट करता रहता हूँ, लिटरली आई आई रिपीट दोज लाइन्स, मेरे हैंगओवर चल रहा होता है। व्हेन आई रीच माई प्लेस, मैं शावर ले रहा हूँ तो बाथरूम में वो मेरा चल रहा है। मतलब आपका जब होता है वो ना, जब आप लाइंस कमाल शॉट दिया, सारी तालियां बज रही हैं, ये हो रहा है और ऐसा हो रहा है कि सब वो लाइंस हैंगओवर। और जब खराब होता है तब चाहे कितना भी मेरे दोस्त अहबाब मुझसे कहते हैं, नहीं नहीं अच्छा अच्छा कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा तू सोच रहा है, लेकिन अंदर से वो फील होता है कि नहीं यार वो कुछ तो कमी रह गई है, वो मैं समझ रहा, कहीं तो वो एक अलार्म दे रहा है कि वो मजा नहीं आया, जो मुझे आना चाहिए था वो नहीं आया, और ये कह रहे हैं ठीक है, मैं उनको अप्रिशिएट कर लेता हूं, मैं कई बार थैंक यू यार आई फील ऑनर्ड, बट यस साइमल्टेनियसली आई फील कि नहीं यार शायद ये नादान है, या तो ये मेरा दिल रखने के लिए कह रहे हैं, या इनका इतना इल्म ही नहीं है, कानों में राजा बना हुआ हूं मैं, वरना वो चीज आई नहीं है, वो बात बनी नहीं है। लेकिन कुछ एक्सपीरियंसेस टीवी के अंदर मेरे बहुत कमाल के हुए यार, बहुत कमाल के इसलिए हुए कि टीवी में, चूंकि मैं थिएटर से रहा और अल्हम्दुलिल्लाह मेमोरी वाइज बहुत आला जहन बख्शा है ऊपर वाले ने मुझे, तो उस लिहाज से स्क्रिप्ट्स में, इसमें एक तो मैं जबान जानता हूं तो एक एक मेरे लिए फोर्टे है, दिस इज एन एडिशनल क्वालिफिकेशन विथ मी, तो गलती का मतलब बहुत चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, यू नो एरर चांसेस आर लेस। तो उसमें कई बार ऐसे हुआ कि हमारा कहीं हम शूट कर रहे हैं जिनका सेट लगा हुआ है किसी और का, हम उस जी सेट पर शूट कर रहे हैं एंड द डायरेक्टर हैज टू फिनिश द सीक्वेंस, अगर वो सीक्वेंस नहीं खत्म हुआ तो समझो वो सीन रह जाएगा, मर जाएगा वो बेचारा डायरेक्टर, और हाँ वहां से हमें कल शिफ्ट करना है बिकॉज किसी और का सेट लगा हुआ है, और वो एक्ट्रेस जो है वो साथ में है या कोई आर्टिस्ट है वो सीन कर ही नहीं पा रहा, क्योंकि टीवी में थोड़े थोड़े बड़े बड़े शॉट्स लगते हैं, स्पेशली डीडी में हुआ करता था, डीडी में इट वॉज नेल बाइटिंग थिंग्स, यू नो इट वॉज लाइक यू हैड टू स्क्वीज इन एवरीथिंग इन दैट इंच ऑफ टाइम, और एक्टर नहीं कर पा रहा है और डायरेक्टर मेरे पास आता था उसमें। मेरे आज भी मुझे याद है, मेरे अजीज दोस्त ही हैं मनोज सिंह करके एक डायरेक्टर हैं, हम एक शो कर रहे थे एंड ही वॉज इन अ बैड सूट, मतलब हमें पैकअप करना था, उन दिनों 10 बजे तक की शिफ्ट हुआ करती थी और 9:30 बज चुके थे, और उन्हें दो सीन करने थे जिसमें उन्होंने कहा कि आप दो सीन में कैसे करूंगा, और वो ही केम टू माई ग्रीन रूम और उन्होंने मुझे कहा जाहिद भाई बचा लो यार, मतलब अगर ये नहीं हुआ ना तो डायरेक्टर से मैं आउट हो जाऊंगा, क्योंकि प्रोड्यूसर डायरेक्टर चेंज कर देता था अगर आप उतना कैन नहीं कर पा रहे हैं तो। मैंने कहा करे तो क्या करे, बोले इसको एक काम करते हैं कपल कर देते हैं, इस दो सीन को एक बना देते हैं और एक साथ करते हैं। मैंने कहा ठीक है चलो एक दो बार रिहर्सल करा लो उसको यार, आर्टिस्ट को जो है लड़की को, एंड फाइनली इन द शॉर्ट वी जस्ट हैड दैट हाफ एन आवर जिसमें हमें दो सीन खत्म करने थे, एंड इट वाज बिग चंक, तकरीबन 6.5 से 7 मिनट का शॉर्ट था, वो ट्रॉली जी थी और कमाल के कैमरामैन थे, आई मस्ट प्रेज महेश गुप्ता, मेरे बहुत अजीज दोस्त हैं और बहुत अच्छे साथी हैं, कमाल के डीओपी हैं वो, उसने पूरा एंगल्स लगा दिया और हमें शूट करना था, एंड इट वाज 6.5 to 7 मिनट शॉर्ट, अ वेरी बिग शॉट टीवी के अंदर, अगर 7 मिनट का शॉट हो आपका और वन गो में हमें जी करना है, उसमें मतलब उन्होंने एक्सप्रेशन कैमरामैन ने जैसा तो सर होता ही किया, छोटी होता है उसमें से अरे आपका हमारे पास साथ ऑप्शन ही नहीं था, मतलब ये करना ही करना, और ये सेट पे हमें कल मौका नहीं मिलेगा करने का, और अगर ये काम नहीं हुआ, ये शूट कम हुआ तो वो डायरेक्टर की कुर्सी चली जाएगी, एंड यू ओ वोंट बिलीव, अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर वाले का इतना बड़ा करम हुआ कि वी स्टार्टेड ऑफ दैट शॉर्ट, एंड जो एक्सपीरियंस हुआ एक्ट्रेस के लिए मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, कई बार आपको बहुत तरह के तजुर्बे होते हैं, वो लड़की जी डायलॉग भूल गई शॉर्ट के अंदर, भूल गई वो, एंड शी वाज टोटल ब्लैंक हो गई, और कैमरा ऑन है और समझ में नहीं आ रहा, तो लिटरली आई हैड टू स्पीक हर लाइंस, मैंने उनकी लाइंस भी बोली शॉर्ट के अंदर, अच्छा और वो जब बोल के रुक गई तो मैंने कहा बोलो, नहीं बोलो बोलो क्या बोलना चाहते हो, यही कहना चाहते हो ना कि ये मैंने क्यों किया, ये क्यों किया, ये क्यों किया, तो सुनो, मतलब उनकी पहले पूरी लाइंस बोली मैंने और फिर मैंने अपने डायलॉग बोले, एंड वी कंप्लीटेड दैट शॉट एंड दैट वाज अ थंपिंग अप्लॉज पूरा जो है, और बजोज भाई ने जो है वो आज तक याद करते हैं, बोले यार हमने वो शूट किया था यार, बोले ऐसा हो गया था। तो कई बार ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं जिससे क्या हो गया कि वो जो हालात थे, जिन हालात में मैंने वो चीज कर ली, वो चीज ने मुझे और पुख्ता कर दिया और मजबूत बना दिया, तो अब जब इस तरह का कोई काम आता है, कोई चीजें आती हैं, तो हम तैयार हो जाते हैं। बहुत सारे सीरियल्स में मेरे साथ हुआ, जहां पर आई वॉज डूइंग अ शो जारा, एक वक्त का सहारा का बहुत बड़ा शो था फॉर एडिट टू, विनय फॉर कोहली और संजय कोहली के लिए था, उसमें मेरे दोस्त हैं वो बेचारे कर रहे थे डायरेक्ट, राहुल वॉज देयर एंड वी हैड टू शूट, वी वॉज शूटिंग इन चांदीवली और हमारे पास टाइम नहीं था, एंड इट हैड ऑल स्टार्स, उसमें उस सीन में कोर्ट रूम सीन था और सारे स्टार्स थे उस एक शॉट में, एंड एवरीबडी वॉज लीविंग आफ्टर दैट, मतलब उन्होंने कहा कि हमारा एंगल लगा लो और हमें जाना है, ओके
और एक्टर जो है वो डायलॉग नहीं बोल पा रहा और मैं लॉयर बना हूं, और मुझे राहुल कह रहा है, बोले भाई मतलब इज्जत हाथ में है यार तुम्हारे, बस कुछ नहीं, मतलब मैं मर जाऊंगा एकदम, ऐसा है कि ये खत्म करना, और ये सारे जो सामने स्टार्स बैठे हैं ना, ये मास्टर में तुम्हारे साथ इनको पीछे रख के लेना है, उसके बाद ये सारे आउट हो जाएंगे, मैं बाद में क्लोज तुम्हारा ले लूंगा, लेकिन ये मास्टर मुझे पूरा चाहिए यार, और कोई चारा नहीं, और ये एक्टर बोल नहीं पा रहा डायलॉग, सही बात मैंने कहा तुम छोड़ दो। और उस वक्त हमने किया, और मतलब किया क्या हमने यार, ऊपर वाले ने इतना बड़ा करम रहा है हमेशा, एक बस मेहनत की, श्रद्धा से आप काम कीजिए और उसका पूरा पूरा फल आपको ऊपर वाला देता है, ये मेरा वाह, स्ट्रॉन्ग मानना है ये बात तो आपने कसम से 100% कि क्या आपकी बात मेहनत में, आप कोशिश में मत कमी मत कीजिए, कोई कमी मत है। कीजिए। पर जाहिर जी आजकल ये चल रहा है लाइक स्टार सन स्टार डॉटर और नए लोगों को चांस से मिलता है, तो आप क्या सोचते हैं ये गलत है क्या है और होना चाहिए कि नहीं? देखो ठीक है, हम और आप प्रिडिक्ट तो नहीं कर सकते, बट विच इज वेरी बैड आई गेस। पहले ये सब इतना नहीं था जितना आज की डेट में। सीरियल भी यही करते हैं, वेब सीरीज भी यही करते हैं, एड भी यही करते हैं, फिल्म तो ये करते ही करते हैं। तो अब हमारे आपके जैसे लोग, बिकॉज वी आर नॉट एनी स्टार की औलाद, तो हमारे जैसे और भी बहुत लोग हैं, तो अब हम क्या करेंगे, हम क्या लाइक्स बढ़ाएंगे बैठ के? नहीं, आपको आपकी जो मेहनत है उसको डेवलप करना होगा, आपको आपकी जो फाइट है, आपका जो जज्बा है और आपकी जो सोच है, उसको आपको बहुत बहुत आला करना पड़ेगा। क्योंकि क्या होगा कि देखिए, जब आपको पता है कि ये तो एक रास्ता ऐसा है जिसमें आपके पास दाखिला नहीं है, तो क्या करेंगे आप, छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे। अब जब नहीं छोड़ना नहीं है तो इसमें आप डेवलप करना है, और कोई इसका रास्ता नहीं है। जी डेवलप इसलिए कीजिए कि इस लिहाज से मैं कह रहा हूं, जैसे अगर फिजिक वाइज, डांस वाइज, परफॉर्मेंस वाइज आप आला बनिए, इसमें मैं, मेरा ऐसा स्ट्रॉन्ग मानना है तनी, कि मैं जी ये नहीं कहता कि जो बहुत काबिल होगा वो एकदम ही महरूम रह जाएगा। हाँ ये है कि जो उसे मकाम मिलना चाहिए कई बार वो नहीं मिल पाता, ये चीज हुई है, ये चीज को मैं हाँ, एग्री हो रहा करता है हूँ। ना, बहुत हो रहा है अभी तो, हाँ बहुत हाँ बहुत ज्यादा हो हो रहा है, रहा है। पर इसको सोचकर हम अपने कदम पीछे ना हटा लें, ना ही इस सोच में मुब्तिला हो जाएं, क्योंकि अगर इस सोच में मुब्तिला होंगे ना, तो कहीं ना कहीं हमें वैसे लोग मिलते जाएंगे और हमारे हौसले अंदर से पस्त होते जाएंगे। तो हौसले को मजबूत रखने के लिए हमेशा ये सोचिए कि अगर ये पूरी दुनिया ऐसी है, पूरी फिल्मी जगत ऐसा है, तो क्या मैं फिल्मी जगत में कदम नहीं रखूंगा? नहीं, मैं रखूंगा, सही बात है, मैं सही बात रखूंगा है। कदम, ये तो चला आएगा यार। अब सिर्फ ये है कि जैसे जब मैंने फिल्में शुरू की थी, उसके बाद मैंने रुख कर लिया टीवी की तरफ। टीवी की तरफ इसलिए रुख किया कि ख्वाहिशों का मोहल्ला बहुत बड़ा था, मैं जरूरतों की गली से मुड़ गया, और फिल्मी दुनिया जो थी उस वक्त हमने गर्लफ्रेंड की तरह रख ली, और टीवी को हमने वाइफ बना लिया कि भाई ये जरूरियात जिंदगी पूरी करती है, तो टीवी पर मैंने फोकस किया और टीवी पर मुसलसल काम करता रहा। इसलिए उसके बाद फिर मौका नहीं बना कि मैं फिल्मी, तो कई लोग मुझे कहते थे कि यार तुम यार क्यों ऐसे, यू आर अ फिल्म प्रोडक्ट, और तुम क्यों ऐसे पड़े हुए, क्यों ट्राई नहीं करते? मैंने कहा ट्राई करने की जरूरत तो महसूस हो, मतलब ऐसा है कि मेरे पास अगर घर बैठे काम है, चलकर जी आया हुआ काम है, और मेरी हर शर्त मानी जा रही है, मुझे हर तरह से इज्जत बख्श के वो काम दिया जा रहा है, उसे छोड़कर मैं नया काम जिसके बारे में कुछ तय भी नहीं है, उसके लिए जी स्ट्रगल क्यों करूं? तो वो एक तरह से डीमेरिट रहा मेरे लिए कि मैंने वो कोशिश नहीं की, वरना शायद फिल्मी दुनिया में आज एक मकाम होता। लेकिन आई एम वेरी कंटेंटेड एंड रिलैक्स्ड कि मुसलसल मैं टीवी में, एक शो बंद हुआ तो दूसरा शो स्टार्ट हो गया, ऐसा मुसलसल चलता रहा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है, और इस वजह से मैं मुसलसल टीवी करता रहा। पर टीवी के अंदर ये कहना है, कहेंगे कि यार टीवी का एक अपनी जगह है, तो वहां पर भी जगह है, अभी तो बहुत प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा हो गया है, और आपको हाँ कोशिश करना है, इसके अलावा कुछ नहीं। और सबसे बड़ी बात, अभी फिल्म मालिक से से जरूर मांगे। ज्यादा या फिल्म से ज्यादा लोग इंटरेस्ट टीवी में लेते हैं। आपकी एक फिल्म रिलीज नहीं हुई जैसा है एक, सॉरी तुम्हारी जो ये बात थी ना, इसका एक और आखिरी पहलू है जो इस सवाल का जवाब था कि लोग क्या, मतलब आप करना चाहिए हमें, इसमें यह है कि बारहा आपने देखा होगा, जितने किसी ग्रेड को आप पढ़ेंगे, जिस कौम में हो, जिस मजहब में हो, जिस प्रांत से हो, आप पढ़ेंगे तो पढ़ा जाएगा कि कर्मों से तकदीरें बदलती हैं। तो इंसान ये कोशिश करे, अपना फोकस अपने कर्मों पर रखे, कर्मों से तकदीरें बेशक बदलती हैं, बहुत फर्क पड़ता है। और दूसरी बात, शुक्र और सब्र, ये दो चीज बहुत जरूरी है। आप देखना इंशाल्लाह, जिन जिन को ये चीज महसूस हो रही है ना, जो तकलीफें आ रही हैं, इसमें बदलाव आएगा, इसमें डेफिनेटली बदलाव आएगा। मैं एक एक सवाल था जो बहुत टाइम से मेरे मन में अटका हुआ है, वो ये अरे कि प्लीज प्लीज आपको निकालिए जो निकालिए। खिताब मिला हुआ है इंडियन गॉडजिला का, वो कैसे मिला है? अरे ये बड़ा एक अजीब सा, मतलब इट्स समथिंग वेरी फनी, इंडियन गॉडजिला जो नाम है, बट ये है कि
मैं जिम करता हूं, और जिम के अंदर जो है मैं जब एक्सरसाइज किया करता था जी तो मेरे जो कोच थे वो मस्ती करते थे हमेशा, मुझे बोलते थे यार तुम एकदम मतलब ऐसा ह्यूज स्ट्रक्चर ये वो सब, और तुम करते क्या हो, तुम दो दो घंटा चार चार घंटा करते नहीं हो। सारे लोग सही मुझे बात पूछते हैं, है। देखते हैं तो लगता है कि यार कितने घंटों तक ये सुबह करता होगा, रात में करता होगा, एक्सरसाइज करता होगा। तो दिस इज द ह्यूज थिंग, एंड व्हेन यू कम अप विथ योर वेज, तो मैंने कहा भाई कुछ लोग ऐसा होता है कि यार तस्वीरों को फॉलो करते रहते हैं, तो मैं यहाँ जितनी जी जिम में तस्वीरें लगी है शायद उनको इंस्पायर, उनसे इंस्पायर होके फॉलो करता रहता हूँ। और ये नाम जो है खिताब मुझे मेरे जिम के एक उसने मस्ती में कहा था कि यार बोले ये तो ऐसा लग रहा है सम गॉडजिला कमिंग इन ह्यूज दिस थिंग। गॉडज़िला, हाँ तो फिर वो ये मुझे दोस्तों ने एक अच्छा बना लगता है लिया, आपकी पर्सनालिटी पे। अरे तो फिर दोस्तों ने एक वो एक आदत सी बना ली, एंड देन एवरीवेयर ऑन फेसबुक एंड ऑल आई यूज्ड टू प्रेजेंट माय सेल्फ एज इंडियन गॉडजिला। मैंने कहा भाई माशाल्लाह इतने ग्रेट और इतने खूबसूरत लोग हैं, तो एक गॉडजिला की तरह एक बंदा जो है एक यूनिकनेस रहे अपनी। एग्जैक्टली। अभी हम थोड़ा सा 5 मिनट ले दे देते हैं, क्योंकि अब देखिए हमें यस पता ही यस नहीं चला हम आपसे बात करते करते कहाँ आज ऑलमोस्ट 1 आवर्स होने को आ गए। ओ आई डिडंट रियलाइज हाँ दैट यार, आई डिडंट रियलाइज, आई एम सो पता ही सॉरी नहीं इफ आई चला बोर्ड, ना। मतलब मैंने इतना बोलता रहा हूँ, शायद नहीं, बहुत बहुत बर्दाश्त किया होगा लोगों ने। ऐसी बात नहीं है कि आप बोलते रहे हो। ये कहने का मतलब है कि हमारा प्रोग्राम और हमारे प्यारे इतने गेस्ट आते हैं यहाँ पे कि हम जब बात करते तो खो जाते हैं। तो वो तो हमारे जो बेचारे जितने भी गेस्ट हैं सब एक साथ, क्योंकि बहुत सारे हैं, तो अब इंडिविजुअल नाम तो किसी का ले नहीं पाएंगे। लास्ट में हबीब जी आपका नाम ले रहे थे, यू आर सच ए डार्लिंग माई स्वीट हार्ट फ्रेंड, और वो बेचारे कॉन्स्टेंट यहाँ पे है। और बहुत सारे लोग अपने, अभी मैं आपको वन बाय वन नाम बताती हूँ। DSA बॉलीवुड चैनल, उनके तरफ से फिर से आया है बेस्ट रिगार्ड आपके लिए। हबीब जी की तरफ से आया है, थैंक यू शबान सो की मच, तरफ से आया है, मिहिर शाह वेरी वेरी थैंक यू वेरी गुड थैंक यू, फ्रेंड ऑफ माइन, आई फील फैजल, ऑनर्ड। राज, देव, शेख, हसमुख, बलवंत, आई एम सॉरी गाइज, अब नवाजिश एक्चुअली बहुत नवाजिश लंबी लाइन है, आई नवाजिश, कांट टेक एवरी वन बिल्कुल नेम। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे भी नजर आ रही है। मैं सभी का मतलब प्लीज ऐसा ना समझें, प्लीज डोंट फील ऑफेंडेड एट ऑल, आप सभी हमारे अजीज हैं, और इस वक्त जब आप इस प्लेटफॉर्म पर आए हैं हमारे और हमें जो इज्जत बख्श रहे हैं इसके लिए तहे दिल से हम आपके शुक्रगुजार हैं, ममनून और मशकूर रहेगा ये दरवेश हमेशा। तो जाहिर जी आप इतने इतने सारा आपने इतना सारा काम किया, इतने सारे सीरियल्स लेके, मूवी से लेके सब कुछ ले, तो बस अब आपको क्या लगता है कि अभी थोड़ा सा ठहर जाए, कुछ और ट्रैक पे जाए, कि यू हैव टू गो विद द फ्लो ओनली, मतलब बस एक्टिंग में ही रहना है, कि कुछ और भी फ्यूचर का प्लान सोचा है? गुजर रहा हूं यहां से, जी यहां से भी गुजर जाऊंगा, गुजर ओहो, रहा हूं यहां से भी गुजर गुजर जाऊंगा, मेरा नाम वक्त है, ठहरा तो मर जाऊंगा। ओ वाओ, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, मुझे ज्यादा वर्ड ठहरना नहीं ना तो मेरा आते। मिजाज है और ना ही फितरत, इंशाल्लाह बस इसी फिल्मी जगत के साथ जिंदगी है और आखिरी दम तक रहेंगे, कोशिश करते रहेंगे, चाहे चीजें हो ना हो हम अपनी कोशिश करते रहें। सही बात दोपहर तक है, बिक गया बाजार का हर एक झूठ, दोपहर तक बिक गया बाजार का हर एक झूठ, और हम एक सच लेकर शाम तक बैठे रहे। बट इसके सही माने ये नहीं सुना, कि हम बैठना छोड़ देंगे, हम हाजिर होंगे, बैठेंगे वाह जरूर, और अपने सुभान माल को आज भी अल्लाह, बेचेंगे कल भी बेचेंगे इंशाल्लाह। वाह सुपर, दिल से सुपर, दिल से सुपर, थैंक सो स्वीट तानी, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी एंड यू गिविंग मी सो दिस मच ऑनर। आपका, आप हमारे प्रोग्राम में आए और इतना अच्छे अच्छे बातें की, और इतना प्यारा प्यारा आपने शेर सुनाया, मुझे तो उसको पढ़ने में 5 दिन लग अरे नहीं नहीं जाएंगे। नहीं माशाल्लाह, आई एम हैप्पी दैट आई एम बीइंग इंटरव्यूड बाय अ सच अ गॉर्जियस एंड अ ब्यूटीफुल फीमेल आउट देयर, एंड डीएसए का भी स्पेशली शुक्रगुजार हूं जिन्होंने हमें ये मौका दिया। इट्स बीन एन इमेंस प्लेजर टू रिसीव दिस अपॉर्चुनिटी, एंड आई एम ऑलवेज देयर, जब आवाज दोगे इंशाल्लाह लब्बैक कह के हम हाजिर मिलेंगे। हो, बट आई एम सो ग्लैड आई हैव अ फ्रेंड लाइक यू। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टीवी तनिषा सिंह में, एंड होप टू सी यू सून। लॉकडाउन खुल जाता है इंशाल्लाह तो हम भी मिलते हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, जरूर जरूर जरूर, तय शुदा, चलिए फिर, शुभ रात्रि, शब खैर, और बहुत गुड बहुत नाइट, शुक्रिया गुड नाइट, तनिषा सिंह की तरफ से, DSA बॉलीवुड चैनल की तरफ से, दीप पिकारी की तरफ से। थैंक यू सो मच जाहिर जी, थैंक यू, थैंक थैंक्स। यू।
सो गाइस आई होप यू एंजॉय दिस सेशन. और आज का तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग था, बहुत सारी चीजें हमने जानी. और आई एम सॉरी आप लोग को एक साथ में रिवर्ट नहीं कर पाती, तो दिल से सॉरी 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 सॉरी. फिर कल दोबारा हम मिलते हैं एक नए मेहमान के साथ. टिल देन टेक केयर, गुड नाइट, शब खैर. और ज्वाइन होने के लिए टीवी तनिषा सिंह में थैंक यू सो मच, बाय बाय.